हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक NFO के बारे में, मिराई एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे इस फंड के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या रिस्क कैपिटेट रहेगा, साथ ही साथ इसमें कितना होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले, आपने अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आया हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल के अंदर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, NFO रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, तो आप मेरे वीडियो को जरूर एंड तक देखना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। तो आइए जानते हैं कि इस फंड का पूरा डिटेल जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, इनोवेशन सेंचुरी बिजनेस इसको आगे बढ़ाता है। इनोवेशन, जैसे पहले 1960 में दशक में हमें कंबस्टन इंजन मिला था, उसके बाद 76 में टेलीफोन मिला था, इसी तरह दिन ब दिन बिजनेस में रीडिफाइन किया जाता है, यानी नया इनोवेशन किया जाता है। इसी तरह 1990s में जब इंटरनेट आया, तभी हमें बहुत कुछ देखने का, नया चीज़ देखने को मिला। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माने में हमारे इनोवेशन को अक्रॉस मार्केट कैप, अक्रॉस सेक्टर, ये हमें फ़ायदा देगा। जैसे ई कॉमर्स में, इंटरनेट सर्फिंग में, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में, गेमिंग में, हेल्थ केयर में, हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। साइबर सिक्योरिटीज़ वगैरह में, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर, सारे जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यूज़ किया जाता है, इनोवेशन किया जाता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रीशेपिंग कर देगा आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रीशेप कर रहा है। जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट सर्विसेज, अभी जैसे हर कंपनियां स्मार्ट असिस्टेंट यूज़ करते हैं, चैटबॉट यूज़ करते हैं, फेसियल रिकॉग्निशन होता है, स्पीच रिकॉग्निशन होता है, नेविगेशन होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी निकल गया है इसके, इसको यूज़ करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सारा चीज़ रीसेप हो रहा है, सारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें भी इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है, आपने खुद देखा होगा, आप तो खुद यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके तहत हम सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ग्लोबल कॉरपोरेट में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही जगह यूज़ किया जा रहा है, जिसका ऑलमोस्ट डबल हुआ है लास्ट कुछ सालों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ डबल हुआ है। अगर 2015 की बात करें, 12.5 US बिलियन डॉलर का यूज़ किया गया था, कॉरपोरेट आर्टिफिशियल इन्वेस्ट किया गया था, वो बढ़ते बढ़ते 2018 में 43.8 बिलियन में पहुंच गया, और 2021 की बात करें 93.5 बिलियन डॉलर में पहुंच गया है इस इंडस्ट्री। अगर ग्लोबल मार्केट साइज की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये 1 ट्रिलियन डॉलर में पहुंचने वाला है 2030 तक। ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर में पहुंचने वाला है। 2021 में 87 डॉलर था, और ये 2030 तक ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। अगर इसका साइज़ की बात करें, हर साल CAGR 38% के हिसाब से ग्रो कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा थीम होगा, बहुत बड़ा रिटर्न देगा ये इन्वेस्टमेंट, आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट और चाइनीज़ कंपनी में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे टेंसेंट जैसी कंपनी, बाइडू, IBM, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट अल्फाबेट जैसी कंपनियों में ये इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडेक्स है INDXX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डाटा इंडेक्स, जो है ये एवरेज रिटर्न 7 साल का 20% दिया है, 20.4%, 3 साल का 20% दिया है, 3% 3 साल का एवरेज रिटर्न 17% दिया है, जबकि नैस्डेक 100 ने 20.9% दिया था 7 साल का, और 5 साल का दिया था 23.4, और 3 साल का 25% रिटर्न दिया था। अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी इंडेक्स के साथ, निफ्टी इंडेक्स से बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। निफ्टी ने पिछले 7 साल में 11.9% का रिटर्न दिया है, जबकि 20.4% रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 12.6% रिटर्न दिया है निफ्टी ने, निफ्टी इंडेक्स ने, जबकि ये 20% तक एवरेज रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें 17% रिटर्न दिया है निफ्टी ने, और ये भी 17% रिटर्न दिया है। अगर कंपेरेटिवली देखें, ये बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इंडेक्स। अगर हम बात करें इसमें जो एक्सपोजर रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में काम करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक्सपोजर रहेगा,
सेमीकंडक्टर्स में रहेगा, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर इक्विपमेंट रहेगा, मीडिया एंटरटेनमेंट में रहेगा, खास करके रिटेलिंग में इन्वेस्ट किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में 35% और उसके बाद सेमीकंडक्टर 14.4% के। अगर हम देखें टॉप होल्डिंग्स की बात करें, टॉप होल्डिंग्स में एप्पल इंक है जो 3.8% इस इंडेक्स के अंदर वेटेज है, माइक्रोसॉफ्ट का 3.6 है, और उसके अलावा ओरेकल में 3.59 है, अमेजन 3.59, टेस्ला 3.58%, यानी टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर ये आता है। और ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, इसमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 3% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं रहेगा। सो व्हाई यू शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, बिकॉज ये क्या है, एक्सपोजर देता है एंटायर इकोसिस्टम जो कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, इन्वॉल्व हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो इन्वॉल्व हैं उनके करता है। तो इसमें 83 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसका इंडेक्स का जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर रहेगा ग्लोबल बिग टेक कंपनीज में रहेगा। टॉप 3 जियोग्राफी अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट यूएस में 67.9% एक्सपोजर, चाइना 9.5 एंड कोरिया 4.3। यहाँ पे सिंगल स्टॉक 3% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इसका रिटर्न जो है 20.4% तक रिटर्न दिया है इंडेक्स ने। अगर स्कीम डिटेल की बात करें, ये NFO 16 अगस्त को ओपन हुआ है, 30 अगस्त को क्लोज होने वाला है। ये ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूनिट्स ऑफ ग्लोबल नेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। बेंचमार्क रहेगा INDXX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा इंडेक्स ट्राई INR। अगर प्लान की बात करें, रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान दोनों रहेगा, इसमें ग्रोथ ऑप्शन रहेगा। फंड मैनेजर मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव रहेंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये और 1 रुपये के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये, मल्टीपल ऑफ 1 रुपये के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। फैसिलिटीज इसमें SIP, SWP एंड STP तीनों अवेलेबल है। अगर टैक्सेशन की बात करें, इसमें आपका टैक्सेशन डेट के हिसाब से लगेगा और एग्जिट लोड यहाँ पे अगर रिडेम्पशन या स्विच करते हैं विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम या स्विच करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद अगर एग्जिट करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा। तो ये स्कीम डिटेल था। तो इसका रिस्क एपिटाइट देखते हैं, इसका रिस्क लेवल देखते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट लेबलिंग की बात करें, मेरा ऐसा ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड सुइटेबल फॉर इन्वेस्टर किसके लिए है, जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगा। सो ये डिटेल है वीडियो। आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। आपका मिनिमम जो हराइजन 3 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो डिटेल है मेरा एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड के बारे में पूरा डिटेल है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।